Good morning, everybody. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Today, you all are ready to learn new chapter. Yes, sir. New topic. Yes, sir. Next question. Yes, sir. Okay, very good. You are really excited. Yes, sir. Very good. Very good. So, first of all, revise. What date is today? 7th of May, 2020. Which day is today? Thursday. Very good. In which class you all are? Class 5. Which subject we are going to study? English. Very good. Really, you are following correctly. So, today we are going to answer question second. Write two rhyming words for each given words. जो दिए गए शब्द है उसके लिए दो दो राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो हम इसको हिंदी में भी बता रहे हैं और इंग्लिश में भी बता रहे हैं. आप इसका उच्चारण पे ध्यान रखना है, इसके लय पे ध्यान रखना है कि ये इनका लय एक जैसा हो. जैसे स्काई स्काई स्काई, बाय बाय, ट्राई ट्राई. इनके उच्चारण के अंदर क्या आता है? आई आई आई. लाइक स्काई, बाय, ट्राई. नेक्स्ट Together, gather, rather. इनके अंदर क्या आता है? अर अर अर. जैसे together, gather, rather. Next, dawn, brown, crown. इनमें क्या आता है? One. Like dawn, WN, brown, WN, crown, WN. They are of same rhyming tone, rhymes. Same rhyming is there. So, they are called as rhyming words. Understand? Yes, sir. इनकी जो लय है एक जैसी आ रही है, इस बात का ख्याल रखना है. Clover. Clover. Tower. Hover. ER. At the end of such words, we get ER. And is read as clover, tower, hover. Next, star. Bar. Far. Next, sing, bring, ring. At the end of such words, we get ing sound like sing, bring, ring. Next, hole, mole, roll. At the end of such words, we get all sound like hole, mole, roll, so on. Next, greet, meet, treat. At the end of such words, we get each sound like greet, meet, treat. So, all these are rhyming words and we need to mug up it so that we can get it by heart and we can practice it in using in various sentences in our day-to-day life. So, next question. We will go to next question. आगे इसमें ध्यान ये रखने की बात है कि ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, इनके अंत में एक जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है. ये सारे समान ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द हैं और ये सुनने में लास्ट में एक तरह की लय हमें महसूस होती है, इसलिए इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है. और इनका प्रयोग कविताओं में ज्यादातर होता है क्योंकि कविता लयबद्ध होती है, उसमें लय का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस दृष्टिकोण से ये राइमिंग वर्ड सीखने बहुत आवश्यक हैं. फिर इसके हम इसके मीनिंग को जानेंगे और ये भी सीखेंगे कि हाउ टू यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स. इसके बाद हम लोग गलत और सही का निशान लगाएंगे, लिखेंगे. गलत अगर होगा तो रॉन्ग लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे और सही होगा तो ट्रू लिखेंगे. ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत. आइए, देयर आर हंड्रेड ऑफ स्टार्स इन द स्काई. आकाश में सैकड़ों तारे हैं. ये बात सही है या गलत? सही है. तो हम इसे ट्रू लिखेंगे या फॉल्स? ट्रू. वेरी गुड. सो यू राइट ट्रू इन दिस वेरी बॉक्स. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्स आर फाउंड इन द टाउन. यह बात सही है या गलत? सितुआ हम लोगों को शहर में मिलता है क्या? नहीं सर, फॉल्स. तो इस बात गलत है, हमें समुद्र के किनारे शेल्स मिलते हैं. तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई, इसलिए फॉल्स लिखेंगे. यस सर. वेरी गुड. एज पर दिस पोएम इट इज क्वाइट क्लियर दैट सेल्स आर फाउंड एट द बैंक ऑफ ए सी. सो वी शुड राइट फॉल्स इन दिस वेरी बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू ड्रॉप्स ग्रीट द डस्ट. ओस की बूंदे
किसका स्वागत करती है, किसका अभिनंदन करती है, डॉन का या डस्क का? तो वो डॉन का यानी अरुणोदय का स्वागत कर रही थी, संध्या काल का अभिवादन कर रही थी क्या? नहीं सर। नहीं, वो प्रातः काल अरुणोदय का स्वागत कर रही थी, दैट इज नोन एज डॉन। सो दिस विल बी इनकरेक्ट एंड वी अप्लाई फॉल्स ओवर हियर, सो राइट फॉल्स इन दिस बॉक्स। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द क्लोवर इज ब्लैक, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ऑल्सो फॉल्स, अप्लाई फॉल्स इन दिस बॉक्स। Throughout the whole world, everybody has only one mother. इस दुनिया में सबके पास एक ही माँ है, ये बात सही है या गलत? सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। You are right, absolutely right. So write true in this very box. And in this way, we learned true and false, rhyming words, meanings of new words, as well as their correct pronunciation. And in this way, we can enhance our vocabulary day by day, and the day will come that we will be able to use lakhs of words in our day-to-day life very easily. We can communicate with anybody in English language very comfortably, very easily, and very confidently. You all agree with this? Yes, sir. Very good, very good. Just write it down and get it checked. This is for you all. In next class, we will start new topic for this very hour. I end over here. This class is ended over here. Thank you very much. हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।